ईश्वर जी का सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो पत्नी थी सुदेहा और भूषमा। भूषमा का बेटा सुदेहा ने मार दिया था, तालाब में भटक दिया था। उस बेटे को वापिस जीवित भूषमा ने शंकर भगवान की आराधना कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विसर्जन कर भगवान से कामना करी थी कि मेरा बेटा वापिस मुझे प्राप्त हो। और वो बेटा एक हफ्ते पहले जो मर चुका था भूषमा का बेटा, भगवान शंकर ने उसको जीवित वापिस दे दिया। ऐसे मेरे घृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव की राज महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शंकर जी की सुंदर पावनमय आनंदमय कथा करती है। चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही थी अपने पति के लिए, पति प्रेत योनि से छूट जाता है और बिंदु भगवान शंकर का भक्त बनकर शिव के चरणों का दास बन जाता है। भगवान शंकर के चरणों का दास बना बिंदु। चंचुला देवी ने भगवान शिव के नाम का स्मरण किया। एक बेधब्य है चंचुला। चंचुला का पति मर चुका था, प्रेत योनि में जा चुका था। अब पति प्रेत योनि में चला गया और चंचुला विधवा बेधब्य अकेली कितनी दुखी होगी, कितना दुख उसके भीतर होगा। पर वो चंचुला ने शंकर भगवान की आराधना कर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने पति को भी कैलाश धाम दे दिया और खुद भी अपने पति के धाम में अखंड सौभाग्यवती होकर चली। जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चे, जो बेटी, जो बेटा, जो नारी, चाहे वो कुमारी हो, शादीशुदा हो, बेधब्य हो, वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ी हो, कोई बच्चा हो, कोई कन्या हो, कोई बेटा हो, कोई युवान भाई हो, कोई वृद्ध भाई हो, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, दिल से सुनता है, जिस भाव से सुनता है, मेरा महादेव वही झोली में उसके डाल देता है।